हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है बढ़िया होगी। ये देखिए, ये मार्केट में आने लग गई काले रंग की गाजर। ये देखिए, ये होती है जैसे लाल गाजर हलवे के लिए मिलती है, वैसी ही ये काली गाजर होती है। ये देखिए, ये इसका हम ये ऊपर का छिलका उतार लेते हैं और इसकी बहुत ही बढ़िया हम बनाने जा रहे हैं कांजी। कांजी बनाएंगे और उसको पिएंगे तो इसका टेस्ट एकदम बताशे के पानी की तरह आ जाता है, मज़ा आता है। इसको बनाते हैं, इसका ये ऊपर का छिलका हम ये पिलर से उतार लेते हैं। ये देखिए, हमने ऊपर से इसका छिलका उतार दिया। अब इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, हम इसको लंबा लंबा करके काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये गाजर को काली वाली इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हमने ये ट्रांसपेरेंट बाउल है, आप इसका कांच का बाउल भी ले सकते हैं। इसमें एकदम साफ पानी हमने ले लिया है और अब ये गाजर को हम इस पानी में डाल देते हैं। ये देखिए, गाजर को हमने धो लिया है, पूरी गाजर हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये कांजी हमारी बनके रेडी होगी। और ये देखिए, कांजी में डालने के लिए हमने ये एक चम्मच काला नमक लिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1.5 चम्मच हमारी पीसी हुई सरसों है, जो सरसों के दाने हम सांबर वगैरह में डालते हैं वही है, ये पीस लिया इसको हमने। और ये है 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, तीनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी पानी में और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। इसमें गाइस बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगती और बहुत ही टेस्टी ये हमारी कांजी बन के रेडी हो जाता है। इसको अब हम ढक्कन पूरा अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए गाइस, इसको अब हमने, ये देखिए गाजर को डालते ही इसका कलर आ गया। और इसको ढक्कन बंद करके हम कम से कम 3 दिन के लिए धूप में ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए गाइस, कांजी को हमें धूप में रखे हुए 3 दिन हो गए। आइए इसको देखते हैं ये कैसी है। ये देखिए क्या मस्त कलर आया है इसका। ये देखिए, राई भी हमने जो पीस के डाली थी वो भी फूल गई है और इसमें खट्टापन भी आ गया। देखिए, गाजरों का कलर भी इसमें कांजी में अच्छे से आ गया है। अब इसको हम हिला लेते हैं, हिला के ही आप सर्व करें। बहुत ही टेस्टी ये कांजी लगती है। ये देखिए, जितने अच्छे से हिला के करेंगे ताकि मसाला वगैरह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसको हम सर्व कर देते हैं। ये देखिए गाइस, इसको हमने सर्व कर दिया। और इस तरह अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कांजी, ये पंजाबी लोग कांजी ये वाली काली गाजर की बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, और आप भी इस तरह बना के एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। इस ये काली वाली गाजर जो है हमें फ़ायदा भी काफ़ी करती है, जैसे पेट को और हर चीज़ को, इम्यूनिटी को भी तेज करती है। ये बहुत ही फायदे वाली कांजी है और इसमें ज़्यादा हमने मसाले भी नहीं डाले, वो नुकसान करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।